नमस्कार, आप देख रहे दैनिक लाभ न्यूज 24। मैं हूं जिला विरोधी वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आपने देखा 8 दिन से विनोद यादव जो संयोजक हैं जनसंघर्ष मोर्चा, 8वें दिन आज है। 11 सूत्री मांगे थी इनकी, जिसमें लगभग 40% मांगे इनकी मानी गई। आज प्रखंड स्तर के अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी इन लोगों के साथ वार्ता के बाद आज 8वें दिन इनका धरना समाप्त हुआ। आखिर नौबत नहीं आनी चाहिए कि कोई भी जनता का सेवक या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता धरना देकर सरकार के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करे? सरकार के अधिकारियों के पास लाख काम के बावजूद भी जनता की सेवा पहली प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए। आपने देखा होगा, लगातार हथिया पुल के बारे में हमने खबरें चलाई, जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार से भी वार्ता हुई, लेकिन वो काम अभी तक नहीं हो पाया। मैंने तलखी के साथ कहा था कि क्या हथिया पुल टूटने का इंतजार कर रही है सरकार? आखिर हथिया पुल अगर टूटेगा तो मरेगा कौन? आम जनता, जो देवघर जाने वाले, जो धनबाद जाने वाले, जो रांची जाने वाले हैं? सरकार के अधिकारी को तो कुछ होगा नहीं, इसलिए मरेगी तो गरीब जनता। इसलिए फिर एक बार मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि हथिया पुल का जितना जल्दी हो सके उसको दुरुस्त करने का काम किया जाए। नहीं तो नवयुवक संघ के संयोजक गौरव सिंह राठौर ने कहा कि अगर नहीं हो पाएगा फिर हम लोग इसके लिए जमुई में धरना प्रदर्शन करेंगे। दर्शकों, किसी सरकारी काम, किसी जनता के काम के लिए अगर सामाजिक कार्यकर्ता धरना दे, ये तो बहुत दुखद कहा जा सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अधिकारी जुड़ रहे हैं अमित कुमार रंजन सर, कि इनकी जो मांगे थी लगभग, जैसा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि 40% मांगे पूरी हुई हैं और हम लोग आगे प्रयास करेंगे। सर, लोकल स्तर पर जो भी समस्याएं का निदान होना था वो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से करने का आश्वासन दिए हैं, और जो भी अलग विभाग का मामला है वो हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी के माध्यम से दूसरे विभाग में इसको भेजेंगे, बहुत जल्द आज ही भेजेंगे। गौरव जी, जी सरकार के अधिकारियों का सहयोग मिला, 8वें दिन आज धरना समाप्त हो रहा है। जैसा कि आप पहले भी बता दें, नवयुवक संघ भी इनके धरने में समर्थन में खड़े थे, आप लोग क्या कहना है? जी बिल्कुल, शुरुआत से ही हम लोग इनके साथ थे और हम चाह रहे थे कि इनका जो भी मांग है वो जल्द से जल्द पूरा हो। और मैंने आज वीडियो साहब से बात किया कि सर आप अविलंब यहाँ आए और अनिश्चितकालीन हड़ताल जो चल रहा है उसको आप गंभीरतापूर्वक अपने संज्ञान में लें। ऐसा ना हो कि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल भूख हड़ताल में तब्दील हो जाए और फिर उग्र आंदोलन की तरफ चल जाए। तो हमने भाई विनोद यादव से भी संपर्क किया, इनको मैंने, इनके स्वास्थ्य के प्रति भी मुझे चिंता थी क्योंकि मेरे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, तो इन्होंने भी हमारी बातों को रखा। वीडियो साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने तुरंत यहाँ आने का कार्य किया और इन्होंने आश्वासन दिया, और इनके माध्यम से जो ब्लॉक का जो मोस्ट मुख्य मांगे थे उन्होंने पूरा किया, और हम लोग का जो मुख्य मांगे थे, ये जो आपका हथिया पुल जो जर्जर हो चुका है उस पर वीडियो साहब ने कहा है कि मैं अविलंब अति शीघ्र उसको दुरुस्त कराने का काम करूँगा जिससे लोग को सुरक्षित सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, वीडियो साहब को, सीओ साहब को, जो गंभीरतापूर्वक इस विषय को लिए, और ख़ासकर बधाई विनोद जय को जिन्होंने लगातार झाझा के क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर के ब्लॉक परिषद में धरना देने का काम करते हैं, हर तरह का आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने भी मेरे सम्मान को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। 8वें दिन से आज जनसंघर्ष मोर्चा के संयोजक धरना पर बैठे हुए थे आपके प्रांगण में, क्या क्या मांगे थी, क्या क्या पूरी हुई सर? इनकी 11 सूत्री मांग थी जिसमें ब्लॉक से संबंधित जो जो डिमांड इनका था उनको पूरा किया गया है, विशेषकर राशन कार्ड से संबंधित, और राशन में अड़वा चावल की जगह उसना चावल देना था जी, उसकी डिमांड इनकी पूरी हो गई है जी। और स्वच्छता संबंधित जितने पेमेंट की इनकी शिकायतें होती थी वो अपडेट हमेशा किया जा रहा है, उसको पेमेंट किया जा रहा है जी। और प्रत्येक सप्ताह कैंप लगाने की जो इनकी डिमांड थी वो हमने अपने स्तर से देखा है, और प्रत्येक सप्ताह सोच रहा हूँ, आप हर बार जैसे उससे पहले हथिया में लगाया गया और फिर छापा में लगवाया गया, तो स्वच्छता और आवास का दोनों साथ साथ कैंप लगाया जा रहा है प्रत्येक पंचायत में, ताकि पब्लिक की समस्याएं वहीं लोकल स्तर पर ही दूर हो जाए, उनको प्रखंड ना आना पड़े। हथिया पुल की मरम्मत की भी बात आई थी सिर्फ बीच में, कई बार हमने भी खबरें चलाई लेकिन कोई असर नहीं हुआ सर इसके लिए। मुझे समय थोड़ा दिया जाए, मैं आज बात करता हूँ जी। मैंने आपके खबर को देखा था और मैं उच्च स्तरीय पदाधिकारी को भी इस पर लिखूँगा, बात करूँगा। ठीक है जी। आपकी लगभग 40% मांग पूरी हुई है, सरकार के अधिकारियों से वार्ता के साथ आप आज से धरना समाप्त कर रहे हैं, क्या कहना है? हाँ, 40% जो है मांग लगभग हम लोग को पूरी हुई है। मेन मांग क्या था, झाझा को अनुमंडल बनाना, और अनुमंडल तो झाझा को बनाना, ये आवाज़ तो हम लोग पहले भी उठाए, आज भी उठाए और भविष्य में भी उठाते रहेंगे जब तक नहीं बन जाए, जब तक नहीं बन जाए, ये हमारा एक लड़ाई है, स्टैंड है ये।
और सिमुलतला को प्रखंड बनाना। इसके अलावा ब्लॉक संबंधित जो मांग था हमारा, जैसे कि अरवा चावल के जगह उसरा चावल दिया जाए, तो हम देख रहे हैं 8 दिन के दौरान में बहुत से डीलर के पास जो है अरवा चावल के जगह उसरा चावल पहुंचा है, कम मात्रा में पहुंचा है लेकिन पहुंचा है, तो एक मांग ये पूरा हुआ है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में जो प्रथम द्वितीय तृतीय किस्त की जो बात था जो पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो इसका भी मांग था कि शीघ्र पहुँचाया जाए, तो ये प्रथम द्वितीय तृतीय किस्त भी जो है 8 दिन के दरमियान में स्पीड से पहुँचा है। उसके बाद रह गया, मैंने आप अपने धरने के कार्यक्रम से अधिकारियों की मदद से आप संतुष्ट हैं? हाँ, खास कर ये ब्लॉक का जो काम था वीडियो साहब के जरिए, सीईओ साहब के जरिए, इनके अंदर जो काम आता है वो सारे काम जो है बेखूबी से काम किए हैं। अब रह गया बात की जिला की है या फिर सरकार से है। आज धरना समाप्त कर रहे हैं आज? हाँ, कितना दिन है आज? 8वां दिन है। रोहित जी, आज जो धरना का 8वें दिन आज समाप्त हो रहा धरना, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा है। सरकार के अधिकारियों ने मदद की आप लोगों को, आप बताइए। पत्ता घर है जो आप लोग जो सही किया वो मैं बहुत खुश है। चलिए ठीक। जन संघर्ष मोर्चा के संयोजक आज 8वें दिन पे जो हड़ताल पे थे, आज हड़ताल टूट रही है, जो अधिकारियों के द्वारा वार्ता के साथ साथ ही साथ समाजसेवी गौरव सिंह राठौर भी हैं, और हमारे दोनों युवा अधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी झाझा, दोनों में क्या क्या वार्ता हुई मैं बात करके बताने का प्रयास करता हूं। लगभग 40% मांगे इनकी पूरी हो चुकी हैं और सरकार के अधिकारी को और भी ज्ञापन दिया है जो आगे भी कार्रवाई होगी। हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करके बताने का प्रयास करते हैं।